हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग रिपोर्ट्स। तो गाइस, आज आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो गाइस उसके लिए सॉरी। दरअसल मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो गाइस मुझे भी थोड़ा बहुत मतलब ऐसे कंटेंट बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। एग्ज़ाम का तो आप सभी को टेंशन पता होगी। तो गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगले साल के रॉयल रंबल में जो भी रिटर्न होंगे उनके बारे में। तो गाइस, रूमर्स ये आ रहे हैं कि गाइस कोडी रोड्स का रिटर्न होने वाला है, और गाइस इसके काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि गाइस कोडी रोड्स अपना रिटर्न रॉयल रंबल में करें। हालांकि गाइस वे नए साल के पहले दिन में ही, मतलब जो मैंने नाइट रो होगा अगले साल का सबसे पहला, तो गाइस उसमें भी रिटर्न होने के चांसेस हैं। लेकिन गाइस मैं आपको कहूँगा कि वे रॉयल रंबल में रिटर्न करें तो गाइस ज़्यादा हमें सरप्राइज मोमेंट लगेगा कि हाँ गाइस कोडी रोड्स का रिटर्न हो चुका है। और गाइस आपको अगर मालूम भी हो कि गाइस जब कोडी रोड्स को इंजरी हुई थी हेली नसल में, तो गाइस उनकी रिपोर्ट आई गई थी कि नाइन मंथ लगेंगे। तो गाइस 9 मंथ वे जनवरी में पूरे हो रहे थे, तो गाइस जनवरी में ही रोड लंबल था मैंने ये भी सोच लिया था। तो गाइस उनके तो 100% चांसेस हैं कि कोडी रोड्स तो अपना रिटर्न रोड लंबल में ज़रूर करेंगे। हालांकि गाइस ये 1 जनवरी को करेंगे, मतलब पहले मंडे नाइट रो को रोड लंबल में, ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन रिटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो गाइस ये शायद आपको ज़्यादा सरप्राइजिंग नाम ना लगे, लेकिन गाइस ये सरप्राइजिंग नाम है। और ये नाम है सिंस के नाकामोरा के जो अभी वे गिटार बजाने वाले आते थे, मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, रिक बूज अपना रिटर्न कर सकते हैं रॉयल रंबल में। ये भी 100% चांसेस हैं, उनको भी रसल महीने के आसपास इंजरी हुई थी और गए जब तक उनका रिटर्न नहीं हुआ है, तो गए रॉयल रंबल में वे रिटर्न करेंगे। जोड़ी काफ़ी हद तक चली थी, और गए क्या पता शिंस के नाकामोरा को भी बचाने आए जब कोई उन्हें शिंस के नाकामोरा की स्टार्टिंग में एंट्री हो जाएगी टॉप 10 में, और गए वे 10 या 20 के बीच में आएंगे रिक बूज। मेरे ख्याल से शिंस के नाकामोरा के 1-2 और आने के बाद आ जाएंगे रिक बूज, और गाइस भी रिटर्न होगा रिक बूज का। तो गाइस नेक्स्ट रिटर्न की बात कर लेते हैं, ये रिटर्न होगा जैक राइडर का। जैक राइडर के भी काफ़ी रूमर्स आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी से ही काफ़ी सारे हमें क्लू दे दिए हैं कि गाइस वे रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करेंगे। अगर आपने जैक राइडर को ट्विटर पर फॉलो कर रखा होगा, तो गाइस आपको पता ही होगा कि गाइस उन्होंने कितने रूमर्स दिए हैं जैक राइडर ने इस साल के रोल नंबर के रिटर्न के लिए। और गाइस इस साल का रोल नंबर भी 4-1 होगा, कोई भी आके अपना रिटर्न कर सकता है। तो गाइस काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि गाइस जैक राइडर भी आएँ, और गाइस जैक राइडर तो उन नामों में से हैं जो कि गाइस मैं चाहता हूँ कि गाइस ये रिटर्न हो जाए, और गाइस काफ़ी मज़ा आएगा अगर इनका रिटर्न हो गया। तो मेरी लिस्ट के अगले मेम्बर हैं रैंडी ऑर्टन। तो गाइस रैंडी ऑर्टन का अगर आप रूमर सुनोगे तो गाइस आपको थोड़ा शौक हो लगेगा, मेरा मतलब कि गाइस रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल में रिटर्न तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन गाइस जिस नंबर पर वे करेंगे शायद वो आपको थोड़ा शौक नहीं लग सकता है। और गाइस रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न 30 नंबर पर करेंगे, आपको कैसा लगेगा ये सोचने में थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन गाइस अगर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न 30 नंबर पर हो जाए तो गाइस आपके क्या मतलब ओपिनियंस रहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हालांकि ये रूमर्स नहीं है, लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस अगर रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया में हो जाए तो गाइस ये भी काफ़ी अच्छा मैच रहेगा। लेकिन गाइस बहुत सारे लोग इस जो ये होगा इससे हेल्प भी नहीं करेंगे कि गाइस रैंडी ऑर्टन का 30 नंबर पर आना ऐसा पॉसिबल है या नहीं। हालांकि गाइस भी अपना 20 और 30 के बीच में कर सकते हैं कभी भी, लेकिन गाइस 30 पर तो नहीं, मेरा ओपिनियन है। तो गाइस मैं तो रैंडी ऑर्टन का भी फैन हूँ, अगर उन्हें 30 नंबर पर भी लिया है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन गाइस जो फैंस एग्री हैं वे इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे। मतलब अगर क्या आप एग्री करते हो बस मुझे इतना बता दो कमेंट सेक्शन में। अगला नाम है हमारी लिस्ट का बॉबी लैसली का। तो गाइस बॉबी लैसली को भी हाल ही के पिछले मंडे नाइट रो में फायर कर दिया था, तो गाइस वे 6 हफ्तों के लिए बॉबी लैसली अब हमको कहीं दिखने को नहीं मिलेंगे रो और स्मैकडाउन में, तो कहीं भी वे डायरेक्ट हमको रोड नंबर में ही देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट तो नहीं थी, ऐसी एक और रिपोर्ट है रिडल के ऊपर। रिडल भी 6 हफ्तों तक गायब रहेंगे WWE से, और गाइस भी अपना रिटर्न करेंगे रॉयल रंबल में। उनके आपको पता ही तो होगा कि गाइस ड्रग्स वगैरह की वजह से रिडल को भी फायर कर रखा है, फायर का मतलब सस्पेंड कर रखा है 6 हफ्तों के लिए। तो गाइस भी रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर लेंगे, ये ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट नहीं थी। तो गाइस फाइनल रिपोर्ट यह है, फाइनल रिटर्न यह है कि गाइस जो सबको पता होगा कि गाइस हर एक की लिस्ट में द रॉक का नाम तो ज़रूर है, तो गाइस वो भी द रॉक के नाम से रिलेटेड है, तो गाइस द रॉक के रिटर्न से रिलेटेड है। तो गाइस रॉक का रिटर्न भी 30 नंबर पर तो होगा ही होगा, तो गाइस ज़्यादा बात तो आपको करूँगा नहीं, क्योंकि गाइस द रॉक का तो रिटर्न होना ही है। अगर नहीं भी होना होगा तो गाइस दूसरा नाम आ रहा है CM Punk का। CM Punk भी 4-1 रोल तो आई गाइस, तो AEW या NJPW कहीं से भी आए CM Punk का रिटर्न तो होना ही है।
मतलब या तो सीएम पंक का रिटर्न होएगा या दरोक का रिटर्न होएगा। वैसे आप इसका रिटर्न देखना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वीडियो यहीं तक कितने गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मत जाना कहीं भी। गाइज मेरे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अगर आपकी कृपा ऐसी बनी रही तो गाइज हम 100K तक भी जा सकते हैं, लेकिन गाइज अभी 1K का ही टारगेट रखते हैं। तो गाइज इसे अचीव करवाने में मेरी हेल्प ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइज। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गाइज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।